अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप ये वीलॉग देखेंगे रुखमा इरफान मलिक यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक पूरा मेकअप डिपार्टमेंट है ऑफिस में और यहाँ पर मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, दे वेरी नाइस, बट अक्सर ऐसे होता है कि वो कोई बड़ी मज़ेदार किस्म की चुलबुली सी हरकतें कर रहे होते हैं और हमारा हंस हंस के बुरा हाल होता है। मेरा तो ये हिसाब है कि अगर मुझे हंसी आ जाए तो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लाफ्टर अटैक बहुत बुरा होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर किए जाएं जब ये मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं सारे ये बड़ी मज़ेदार किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं और बड़े नेचुरल वे में कर रहे होते हैं और उस टाइम सब एक नेचुरल अंदाज में अपने अपने शगुफे जो हैं वो छोड़ रहे होते हैं। सो ई इज अली अली सहोत्रा अली मल्होत्रा। अच्छा, ये है अली रजा है। के लिए मुझे कहती है। यस, ही इज़ अली रज़ा, ये मेकअप डिपार्टमेंट के हेड हैं और मेरा मेकअप यही करता है और मुझे तसल्ली भी इसी से ही होती है। दिख रही है ना, ये डेली इनको ही बनाते हैं, वैसे है खूबसूरत, हम सिर्फ कलर ऐड करते हैं तरीके से, प्यार से, बाल बनाता हूं इनके। अच्छा, हम अली से ही स्टार्ट करते हैं ना। अली रोजाना मेरा मेकअप करता है और ही इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट बाय द वे, और बड़े अच्छी स्टाइलिंग करता है, बड़े अच्छा मेकअप करता है, थोड़ी कभी कभी अपनी मर्जी भी कर लेता है, बट ये इतने प्यार से अपनी मर्जी करता है कि मुझे फिर इसकी माननी पड़ती है, वरना नॉर्मली मैं मेकअप आर्टिस्ट की सुनती नहीं हूँ, इसकी मैं सुन लेती हूँ। आई लव हिम सीरियसली, इज वेरी नाइस। ये आपका प्यार है और मुझे अच्छा लग रहा है आज आप वीलॉग बना रही हैं। एक ये वो रूम है जहाँ से सब बन के निकलते हैं, ठीक है, घर से तो हम सारे ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये वीलॉग बना रही हैं। चलें, आते रहेंगे आपके साथ, गाहे बगाहे कुछ अपनी बातें सुनाएंगे। अच्छा, चले 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 चले, अब हम जरा कैमरा लेकर जाते हैं एजाज की तरफ। और ये है, इनका नाम है, एक्चुअली लाइट्स ठीक नहीं है बट चलो इधर कर लेते हैं। हाँ, इसका नाम है एजाज कुकी बबलू, आई कॉल हिम बबलू, और ये भी बहुत अच्छा है और बड़ा मजेदार इसकी हरकतें। ओ माय गॉड, आई विश कि कभी कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो और उसके सामने ये वो हरकतें कर रहा हो, जो बिहाइंड द कैमरा यानी मेकअप रूम की जो अंदर की चीजें होती हैं वो आप लोग देख सकें, तो ये लोग इतना हंसाते हैं और इतनी मजेदार किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं सीरियसली। और मॉर्निंग बूस्ट होता है, अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी कर लेता है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है ये मसाज बहुत अच्छा करता है। सो अगर आप कभी बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो और आपने कोई प्रोफेशनल किस्म का आपको मसाज चाहिए, आई नो कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर मसाज की टर्म शायद कोई इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, बट he is not into that kind of massage, ये अच्छे वाला मसाज करता है। सो अगर आपने कभी भी इसकी सर्विसेज लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको एजाज के साथ थ्रू करवा सकती हूँ। बहुत अच्छा है, वैसे बड़ा सादा सा है और कभी कभी बहुत बोंगियाँ भी मार देता है और हमें हंसाता भी बहुत है, ऊट पटांग हरकतें करता है, और अभी भी इसका ये कैमरे को देखे थोड़ा डिसेंट बिहेव कर रहा है बट असल में ये ऐसा है नहीं। बट एनी वेज, ये अदना, ये जो मेकअप रूम है ना, ये एक से बढ़कर एक नमूने से बड़ा पड़ा है सीरियसली। मतलब आई थिंक ये तो हमारा पहला वीलॉग है, बट आज हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखे हम सब देखते थे कि सबका इंटरव्यू हो रहा है, मगर आज हमारा हो रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमें दिल करता है हम दिल्ली आए, हमारा भी इंटरव्यू हो रहा है। आई लाइक इट, थैंक यू। हमारे सर है ना, इनको लेट लिपस्टिक नहीं लगाने देते। क्या, कौन सी लिपस्टिक? लेट लिपस्टिक, सीरियसली लेट लिपस्टिक। अच्छा चले, वेट करें या मैं कल से ना मैं अपना कोई प्रॉपर स्टैंड वगैरह लेकर आऊंगी, बिकॉज आज मेरा हाथ दुखने लग गया है। खैर, ही इज अदन, और अदना नमूना है हमारा, नहीं अदना नमूना नहीं है। अच्छा, खामोश हो जाओ, लेट मी टॉक। अच्छा, ही इज अदन और ये बहुत हेल्पिंग है। अभी हमारे पास इंटर्नी के तौर पर आया था, अभी ये मेकअप सीख रहा है बट बहुत जल्दी इसने कुछ चीजों को पिक किया है, तो वो तो ये काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ही इज ऑलवेज बीन वेरी हेल्पिंग। मेरी तो ये बहुत हेल्प करता है इन एवरी मैटर। रेड लिपस्टिक इनकी मैं छुपा देता हूँ।
हाँ ये असल में मुझे रेड कलर रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है, और मेरे जो दोनों मेकअप आर्टिस्ट लाइक ये सभी हैं बहुत चिढ़ते हैं कि आपने रेड लिपस्टिक नहीं लगानी, आप न्यूड कलर्स में ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये यार इसको कमेंट्स कर दीजिएगा, आज देखे आज की लिपस्टिक बहुत अच्छी है कि नहीं, इनको मैम को ठीक है, देखिए इनकी आज लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है कि नहीं, रेड भी लगती है मगर हम चाहते थोड़ा चेंज हो, ये तो चेंज हमें अच्छा लगता है, कभी कभी हम लगा देते हैं। हाँ मानते हैं इनकी, ये नहीं कि नहीं मानते, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसी खुश सदाबहार रखे और माशाल्लाह। सो ये चीज ना, खुला खुला मेकअप वाकई बहुत ज्यादा पसंद है, खुला खुला मेरी एक अपनी टर्म है विच मीन्स के लाइक सिंगल शेड और बारीक लाइनर थोड़ा सा ब्लेंड हुआ हुआ न्यूड से कलर में लिपस्टिक, सो ये मेरा खुला खुला मेकअप होता है। हम नहीं करते नहीं नहीं, जब मैंने करना होता ना करवाना होता तो वो मैं करवा भी लेती हूँ। तो मैं और अली, ये अली है वैसे इस टाइम में अपनी क्या कर रहा है, थ्रेडिंग कर रहा है, ग्रूमिंग कर रहा है, इसका आज ब्यूटी डे है। सो ये तमाशा कर रहा है अपने आप को सवार है, जिसने कल शादी पर जाना है। देखिए ब्यूटिशियन जो होते हैं ना वो खुद भी ब्यूटी होते हैं। यस और ब्यूटी बांधने के लिए एक्चुअली अच्छा ठीक हो गया, और ये सब लोग नमूने हैं, एक से बढ़कर एक नमूना, ये देखिए और ये अभी कुछ भी नहीं कर रहे, ये उफ तौबा, ये वैसे इतनी जान खाते हैं, इतने तमाशे करते हैं कि बस मैंने सोचा आपके आज के कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि इस वीडियो पे इस व्लॉग पे हमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, बाज आ जाओ तुम लोग, क्योंकि ये मैंने विदाउट एडिटिंग मैंने ऐसे ही अपलोड करवा दिया। हां भी नेचुरल है यू नो, लोगों को स्क्रीन के आगे बनने की जरूरत है क्या, बनने की जरूरत है, माय नेचुरल ब्यूटी। हां मैं बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी, एनीवेज हरकतें ये लोग ऐसे ही करते हैं, जेन्युइन आपको दिखाया। थैंक यू, हम बहुत अच्छे रहते हैं माशाल्लाह, फैमिली की तरह एक टाइम स्पेंड करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा घर में दिल नहीं लगता, इसलिए हम इधर ही रहते हैं, हम इसलिए इधर तक के खाते हैं मैम के साथ। व्हाट डू यू मीन इधर तक के खाते हैं मैम के साथ। बट एनीवेज जनाब ये तो थे कुछ मोमेंट्स जो आपके साथ शेयर किए, हमारे दो और भी मेकअप आर्टिस्ट हैं बट दे आर वेरी कैमरा कॉन्शियस, एक को एक का थोड़ा पेट ज्यादा है नहीं नहीं, वो उनको जरा ये होता है कि जनाब मैं आज कैमरे के सामने आना है तो मैं जरा टाइट ज्यादा शर्ट ना पहनू, लूज लूज पहनू, नॉर्मली उनका जो मतलब क्या कहेंगे और इसके अलावा मोना हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट है वो भी बड़ी अच्छी है, उससे भी आप सब आप की मुलाकात इन सबसे करवाऊंगी, बट जिस तरह से अली ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया था गाहे बगाहे गाहे बगाहे गाहे बगाहे यस। सो आज के इस व्लॉग से इतना ही, फिर मुलाकात होगी, बाय 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 बाय।